फिबोनाची सीरीज एक ऐसी सीरीज होती है जिसकी फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर की वैल्यू 0 और 1 होती है, और नेक्स्ट नंबर की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम एडिशन करते हैं प्रीवियस टू नंबर्स का। इस वीडियो में हम फिबोनाची सीरीज के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे। मेरा नाम है गौरव एंड वेलकम टू ग्रेट लर्निंग। अगर दोस्तों आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। इससे आप कभी भी हमारे वीडियोस या कोई नए अपडेट्स को मिस नहीं करेंगे। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो हमें थोड़ा प्यार दिखाएं और इस वीडियो को प्लीज लाइक और शेयर करें। इससे हम लोग बाकी सबके साथ भी ये नॉलेज शेयर कर पाएंगे। और आखिरी चीज, अगर आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन या कोई सजेशन है तो उसको नीचे कमेंट सेक्शन पे लिखें और हम लोग उनपे जरूर रेस्पॉन्ड करेंगे। चलिए फिबोनाची सीरीज के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जो फर्स्ट नंबर है उसकी वैल्यू 0 है और जो सेकंड नंबर है उसकी वैल्यू 1 है। तो ये मेरी सीरीज ऐसे शुरुआत हो जाएगी। अब इसके बाद मुझे नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट करना है इस सीरीज का, तो मैं एडिशन कर दूंगा प्रीवियस टू नंबर्स का। तो 0 और 1 यहाँ पे हो जाएगा 1। सिमिलरली अब मुझे फिर से नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट करना है तो मैं प्रीवियस टू का एडिशन कर दूंगा, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। सिमिलरली 1 प्लस 2 आपका 3 हो जाएगा एंड देन 2 प्लस 3 आपका 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारी सीरीज आगे कंटिन्यू होती जाएगी। अब सीरीज के बाद हम इसके लॉजिक को समझते हैं कि एग्जैक्टली कैसे हम लॉजिक को इम्प्लीमेंट करके कैलकुलेट कर सकते हैं फिबोनाची सीरीज प्रोग्राम में। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, आपका जैसे कि मैंने बताया कि जो फर्स्ट नंबर है उसकी जो वैल्यू है 0 होगी और जो सेकेंड नंबर है उसकी जो वैल्यू है वो 1 होगी। तो मैं क्या करूँगा, मैं वेरिएबल क्रिएट कर लूँगा फर्स्ट नेम का, और दूसरा जो नाम है उसका मैं सेकंड रख दूंगा, और मैं एक और वेरिएबल करूंगा जिसका नाम होगा नेक्स्ट, क्योंकि हमें नेक्स्ट नंबर भी फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे लॉजिक पे आप देख सकते हो कि मैंने 3 वेरिएबल क्रिएट किए हैं, फर्स्ट, सेकंड और नेक्स्ट। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं लॉजिक इम्प्लीमेंट करूंगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एडिशन होता है यहाँ पे प्रीवियस टू नंबर्स का, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा नेक्स्ट इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस सेकेंड। तो 0 प्लस 1 यहाँ पे आपका हो जाएगा नेक्स्ट की वैल्यू 1। तो यहाँ तक तो हमने समझ लिया कि हमारे 0 थी फर्स्ट नंबर की वैल्यू और सेकेंड नंबर की जो वैल्यू थी वो थी 1, और नेक्स्ट मुझे कैलकुलेट करना है तो 0 प्लस 1 इक्वल टू 1 आ गया। अब इसके आगे का कैसे कैलकुलेट करेंगे उसका लॉजिक समझते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 0 और 1 हमारे फर्स्ट और सेकेंड नंबर हैं जिनकी वैल्यू 0 और 1 है, ओके। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मुझे थर्ड नंबर चाहिए, तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा था यहाँ पे 1 तक, है ना। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने लिखा कि अब मुझे आगे की वैल्यू कैलकुलेट करनी है यानी कि नेक्स्ट नंबर की, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लॉजिक इम्प्लीमेंट करूँगा, फर्स्ट इज इक्वल टू सेकेंड और सेकेंड इक्वल टू नेक्स्ट। अब इसके लिए ये जो प्रीवियस दो वैल्यूज हैं इनका एडिशन होगा, राइट। तो इसके लिए इस वाले नंबर के लिए ये फर्स्ट वैल्यू हो जाएगी और ये सेकेंड हो जाएगी। अब देखते हैं लॉजिक में, तो जैसा कि हमारी फर्स्ट इनिशियल वैल्यू थी 0 और सेकेंड जो थी हमारी वैल्यू वो थी 1, और जो नेक्स्ट की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी 0 प्लस 1 ये 1, तो यहाँ तक हम लोग 1 पाए थे। अब मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉजिक जो है वो फर्स्ट इक्वल टू सेकेंड है, यानी कि जो इसकी फर्स्ट वैल्यू है उसमें मैं सेकेंड की वैल्यू असाइन करूंगा, और यहाँ पे सेकेंड की वैल्यू क्या है हमारी 1। सिमिलरली सेकेंड वैल्यू के लिए जो हमारी नेक्स्ट की वैल्यू है वो असाइन हो जाएगी, और नेक्स्ट की वैल्यू हमारी यहाँ पे है 1। इसके बाद ये ऊपर जाएगा क्योंकि हम इसके अंदर लूप के अंदर ये सारी चीज़ें हम इम्प्लीमेंट कर देंगे, तो यहाँ पे जो हमारी नेक्स्ट की वैल्यू हो जाएगी वो 1 प्लस 1 2 हो जाएगी। तो ये जो नंबर है यहाँ पे 2 आ जाएगा हमारा। इसके बाद एक और आगे तक का देख लेते हैं सीरीज का। अब नेक्स्ट नंबर मुझे कैलकुलेट करना है, नेक्स्ट नंबर कैलकुलेट करने के लिए फिर से सेम लॉजिक होगा, जो फर्स्ट की वैल्यू है उसमें सेकंड की वैल्यू असाइन हो जाएगी, तो फर्स्ट की वैल्यू जो हो जाएगी यहाँ पे 1 हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे जो सेकंड की वैल्यू जो है उसमें नेक्स्ट की वैल्यू असाइन हो जाएगी, तो नेक्स्ट की वैल्यू हमारे पास 2 है। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये चीज़ ऊपर जाएगी, तो 1 प्लस 2 हमारा 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो हमारी पूरी सीरीज है वो काम करेगी, और ये था इसका लॉजिक जो कि हम लोग लूप के अंदर इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो चलिए देखते हैं इसको प्रैक्टिकली कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं और फिबोनाची सीरीज एक बनाते हैं। चलिए देखते हैं कोडिंग के थ्रू। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले हेडर फाइल लिख देता हूँ हैशटैग इंक्लूड, और इसके बाद मैं यहाँ पे लिख दूंगा stdio.h। इसके बाद मैं मेन फंक्शन लिखूंगा
तो यहां पे मैं लिखूंगा मेन। अब इस मेन फंक्शन के अंदर मैं क्या करूंगा, मैं वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर करूंगा। जैसे मैंने आपको बताया कि जो फर्स्ट जो है मेरा वेरिएबल, उसकी वैल्यू यहाँ पे जीरो हो जाएगी, क्योंकि फर्स्ट नंबर की वैल्यू जीरो थी और सेकंड की वैल्यू वन थी। और उसके बाद मैं एक और वेरिएबल क्रिएट करूंगा नेक्स्ट नाम का। तो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं पहले, मैं यहाँ पे डालूंगा इंट फर्स्ट इज इक्वल टू, मैं इसे असाइन कर देता हूँ जीरो। इसके बाद मैं सेकंड डाल देता हूँ जिसकी वैल्यू मैं कर देता हूँ वन असाइन। इसके बाद मैं नेक्स्ट डाल देता हूँ नेक्स्ट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। इसके बाद मैं दो और वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, एक लूप के लिए जो मैं आई डाल देता हूँ यहाँ पे, और दूसरा नंबर के लिए। जैसे कि मान लो कि आपको सीरीज में फाइव अप टू फाइव टर्म्स कैलकुलेट करना है, तो एन की वैल्यू यहाँ पे मैं फाइव असाइन कर दूंगा। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ जो भी मैं एन की वैल्यू असाइन करूँ वो यूज़र के थ्रू करूँ, तो यहाँ पे मैं आपका प्रिंट एफ और स्कैन एफ फंक्शन यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा प्रिंट एफ, उसके बाद मैं लिखूंगा इंटर द नंबर, और इसके बाद स्कैन एफ। स्कैन एफ क्यों यूज करेंगे, यूजर से वैल्यू इनपुट कराने के लिए। तो यहां पे मैं लिख दूंगा स्कैन एफ, और इसके अंदर मैं लिख दूंगा परसेंटेज डी, और इसके अंदर मैं लिखूंगा एम परसेंट एन। तो यहां तक तो हमारा बेसिक चीज हो गया कि हम वैल्यू डालेंगे। इसके बाद मैं एक और चीज यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट एफ, और यहाँ पे मैं लिखूंगा द फर्स्ट परसेंटेज डी टर्म्स ऑफ फिबोनाची सीरीज आर, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा आपका एन। मैंने यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा परसेंटेज डी, यहाँ पे जो भी अगर मैं एन की वैल्यू यहाँ पे लेट सपोज फाइव देता हूँ, तो ये प्रिंट होके आएगा द फर्स्ट फाइव टर्म्स ऑफ फिबोनाची सीरीज आर। तो ये जो एन की वैल्यू है वो असाइन हो जाएगी परसेंटेज डी में। यहाँ पे मैं सेमी कॉलन लगा लेता हूँ। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके बाद मैं आपका लूप क्रिएट करूँगा। तो मैं लूप क्रिएट कर लेता हूँ, और लूप के यहाँ पे हमने पहले ही वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया आई। सो मैं यहाँ पे लिख दूंगा फॉर आई इज इक्वल टू जीरो, और यहाँ पे मैं वैल्यू दे देता हूँ आई लेस देन एन। उसके बाद मैं दे देता हूँ आई प्लस प्लस। अब इस लूप के अंदर मैं लॉजिक इंप्लीमेंट करता हूँ, तो मैं कंडीशन दे देता हूँ। पहला लॉजिक जो मैं इंप्लीमेंट करूंगा यहाँ पे, इफ आई इज लेस देन और इक्वल टू वन, तो यहाँ पे मैं जो नेक्स्ट की वैल्यू है वो मैं असाइन कर देता हूँ आई के बराबर। और दूसरा लॉजिक मैं जो इंप्लीमेंट करूंगा एल्स, जो नेक्स्ट की वैल्यू है वो आपका फर्स्ट प्लस सेकेंड के बराबर हो जाएगी। अब लॉजिक में क्या था कि जैसे ही ये चीज हो गई, हमें नेक्स्ट वैल्यू पता चल गई, उसके बाद की वैल्यू, उसके बाद वाले नंबर की वैल्यू करने के लिए हमें क्या करना था, हमें फर्स्ट की वैल्यू असाइन करनी थी सेकेंड से। सिमिलरली सेकेंड की जो वैल्यू हो जाएगी वो नेक्स्ट के बराबर हो जाएगी। तो यहां पर मैं अब ये इफ जो था हमारा इसे क्लोज कर लेते हैं, एल्स भी हमारा क्लोज हो गया। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, लूप के अंदर ही मैं चाहता हूँ कि मैं प्रिंट करूँ, क्योंकि जो भी वैल्यू आपकी अपडेट हो रही है आप चाहोगे उसको प्रिंट कराना। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा प्रिंट एफ परसेंटेज डी, और इसके बाद मैं यहाँ पे लिख दूंगा नेक्स्ट। ओके, और यहाँ पे इफ क्या ये क्लोज हो गया, एल्स भी क्लोज हो गया, ये हमारा फॉर लूप क्लोज हो गया, एंड देन हमारा मेन फंक्शन क्लोज हो गया। तो इसको रिमूव कर लेते हैं यहाँ पे, और इसके बाद अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। और यहाँ पे मैं जैसे ही लिखता हूँ इंटर द नंबर, यहाँ पे मैं स्पेस दे देता हूँ, तो नंबर यहाँ पे मैं 9 दे देता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैं पा रहा हूँ द फर्स्ट 9 टर्म्स ऑफ फिबोनाची सीरीज आर। तो ये फिबोनाची सीरीज मैं यहाँ पे पा चुका हूँ। अब इस लॉजिक को समझते हैं जो मैंने लूप के अंदर यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि i लेस देन इक्वल टू 1 है। तो मैंने ऐसा क्यों किया, इसलिए किया क्योंकि जो हमारी फर्स्ट नंबर है उसकी वैल्यू हमें पता है 0 है, और जो सेकेंड नंबर है उसकी वैल्यू हमें पता है 1 है। अब यहाँ पे i की वैल्यू जैसे ही 0 हुई, 0 लेस देन इक्वल टू 1 ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, और नेक्स्ट की वैल्यू जो हो जाएगी वो i के बराबर हो जाएगी, यानी 0 हो जाएगी। और जैसे ही ये चीज हुई, इसके बाद ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया,
तो ये else को स्किप कर देगा और उसके बाद ये यहाँ पे next की वैल्यू प्रिंट कर देगा जो कि हमारी जीरो हुई। सिमिलरली अब जैसे ही i की वैल्यू 1 हुई, 1 लेस देन इक्वल टू 1, वंस अगेन कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा तो नेक्स्ट की वैल्यू यहाँ पे होगी 1 और ये फिर से इस एल्स वाले स्टेटमेंट को स्किप मार देगा और इसके बाद फिर से हमें नेक्स्ट की वैल्यू 1 हो गई। तो हमें पहले दो नंबर की वैल्यू मिल चुकी है 0 एंड 1। अब यहाँ पे i की वैल्यू जैसे ही 3 हुई, ये जो हमारा इफ स्टेटमेंट है ये यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं करेगा तो हम एल्स में आ जाएंगे। तो जैसा कि मैंने आपको लॉजिक बताया था कि नेक्स्ट इक्वल टू फर्स्ट प्लस सेकंड है, तो फर्स्ट की वैल्यू 0 थी, सेकंड की वैल्यू 1 थी और इसके बाद फिर से ये आपका लॉजिक परफॉर्म करेगा, फर्स्ट की वैल्यू सेकंड में असाइन हो जाएगी, सेकंड की वैल्यू नेक्स्ट में असाइन हो जाएगी, लेकिन तब तक ही हमारी नेक्स्ट की जो वैल्यू है वो आपकी प्रिंट हो जाएगी। तो नेक्स्ट की वैल्यू प्रिंट होकर यहाँ पर हमारी 0 प्लस 1 1 आएगी। सिमिलरली आई की वैल्यू यहाँ पे 4 होगी, फिर से हम इस लूप में आएंगे, लूप के अंदर एल्स स्टेटमेंट में, और यहाँ पे इस तरीके से आपका लॉजिक इम्प्लीमेंट होके हमें मिलता रहेगा। ओके, और यहाँ पे अगर मैं आई की वैल्यू, एन की वैल्यू मैं 5 दे रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने आई इक्वल टू 5 क्यों नहीं किया, आई लेस देन इक्वल टू 5 क्यों नहीं किया, क्योंकि अगर आप 0 से लेके 5 तक करोगे तो टोटल आपका 6 टर्म्स हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे मैंने लेस देन एन डाला, क्योंकि अगर एन की वैल्यू 5 है और यहाँ पे आई लेस देन 5 है तो यानी कि आपकी आई की वैल्यू 4 तक जाएगी, तो 0 से 4 आपका 5 टर्म्स हो गया। तो ये पूरा लॉजिक था आपका फिबोनाची सीरीज का। अगर दोस्तों आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, इससे आप कभी भी हमारे वीडियोस या कोई नए अपडेट्स को मिस नहीं करेंगे। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो हमें थोड़ा प्यार दिखाएं और इस वीडियो को प्लीज लाइक और शेयर करें, इससे हम लोग बाकी सबके साथ भी ये नॉलेज शेयर कर पाएंगे। और आखिरी चीज, अगर आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन या कोई सजेशन है तो उसको नीचे कमेंट सेक्शन पे लिखें और हम लोग उनपे जरूर रेस्पॉन्ड करेंगे।